फेयर लवली को बहुत ज़्यादा पहचान मिली है और लोगों ने मुझे उस गाने से ज़्यादा जाना है, तो आई अप्रिशिएट कि मुझे वो गाना मिला। तो ये छोटा सीन भी जीवन के लिए बहुत बड़ा सीन हो जाता है। हाँ, छोटा सीन ही था, बिकॉज वो मेरा भी क्या बोले ग्रोइंग भी पीरियड था। बाजारे ले जाता एकरा के ना ब्यूटी पार्लर में भाव बनवावे के बा। अभी है? हाँ, अभी नहीं तो कब ले चला ना, पानी में डूब के मर जाए के इतनी से बैठे हूँ ना, बर पानी में डूब के मर जाए तो बहुत अच्छा वो लोग पसंद करते हैं। जान दे दे डूब के, मैं ठेऊं भर पानी में जान दे दे जान दे दे दबा हम अच्छा। वो मेहंदी लाके रखना, उसे दो तीन कॉपीज बनाने की कोशिश करी उन लोगों ने, होता नहीं कि अच्छा है, लेकिन वो दोबारा ऐसी फिल्म बन नहीं पाई। चिप्स खिया के लिप्स पर चुमा लिहल करन, वो फिल्म दिलबर फिल्म का बोलती हूँ, उस फिल्म में सिर्फ मैंने एक ही गाना गेस्ट अपीयरेंस किया हुआ है, तो भाई गाना कितना अपना हिट है। इस संघर्ष फिल्म में भी दो गाना हिट मेरा हुआ था, दो ही गाने ही थे पूरी फिल्म में, धोल बड़ो दूध से और एक और फिल्म मेकअप करे चटर चटर करके खेसारी जी के साथ ही है, तो मतलब बहुत हिट रहा। इतना चक्कर चलाएगा केहू हाथे ना आएगी बबली बली, लगा के फेयर लवली जान ले बेकारे पगली। नए के साथ गायकी का भी कभी ट्राई करेंगे क्या? हाँ करूँगी। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट आई कैन ट्राई। लगा के फेयर लवली गाने से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा देने वाली रितु सिंह अभी हमारे साथ है। आइए हम इनसे बात करेंगे फिल्मों के बारे में और जीवन के करियर की शुरुआत के बारे में, कि कैसे इन्हें पहली बार ब्रेक मिला और कैसे आज ये भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बवाल मचा रही है। स्वागत है, कैसी है मैम? थैंक यू सो मच, और आप सभी का स्वागत है, रितु सिंह का, और सभी को प्रणाम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। आपके जीवन का गाना है खेसारी लाल यादव के साथ लगा के फेयर लवली जान लेवे कारे पगली, बहुत अच्छा सॉन्ग तो बहुत करती हूँ मैं, फिल्मों में सॉन्ग होते रहते हैं, लेकिन कुछ गानों को बहुत लकीली एक पहचान मिल पाती है, उसमें से है कि फेयर लवली को बहुत ज़्यादा पहचान मिली है और लोगों ने मुझे उस गाने से ज़्यादा जाना है, तो आई अप्रिशिएट कि मुझे वो गाना मिला एंड मुझे लोग बबली उस पर एक सटीक बैठा पाए कि हाँ उस चेहरे को लोग मुझे आइडेंटिफाई कर पाए, तो दैट्स लकी। कभी कभी एक छोटा सीन भी जीवन के लिए बहुत बड़ा सीन हो जाता है। हाँ, छोटा सीन ही था, बिकॉज वो मेरा भी क्या बोले ग्रोइंग भी पीरियड था, तो उस फिल्म में तो मेहंदी लगा के रखना वाज मैं सेकंड हीरोइन थी, लेकिन उस गाने का जो मेरे फिल्म का जो ट्रैक है बबली का बहुत इम्पॉर्टेंट था। हाँ, लेकिन उस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे हैं, और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे रजनीश मिश्रा जी, उनका जो अपना डिज़ाइन था, एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करता है एक डायरेक्टर, उनकी भी आपको पता है वो उस डायरेक्टर की पहली फिल्म थी एज एन डायरेक्टर। अच्छा, रजनीश मिश्रा जी के और अनंजी रघुराज जी, तो वो दोबारा वो फिल्म बन नहीं पाई। उस फिल्म की एक सीन भी काफ़ी ज़्यादा हिट है आपके साथ, जो वो पानी में डूबने वाला कि हमरा के तो कौनो लड़की रिजेक्ट कर दे वाले, मतलब आपकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो खेसारी जी और हमने कुछ डिज़ाइन भी करा था और डायरेक्टर सर ने मिलके हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत सन जा रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ खेसारी जी ऐसे इंसान है कि अच्छे एक्टर हैं और अपने सभी एक्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कुछ तो स्क्रिप्ट में होता है, कुछ इम्प्रोवाइज़ किया था, वो डायलॉग है ना पानी में डूब के मर जाए कि इतनी से बैठे हूँ ना बर पानी में डूब के मर जाए तो बहुत अच्छा वो लोग पसंद करते हैं, और लिटरली मैंने बहुत इंजॉय किया कि अब पता उस फिल्म को मेहंदी ला के रखना, उसे दो तीन कॉपीज बनाने की कोशिश करी उन लोगों ने, होता नहीं कि अच्छा है, लेकिन वो दोबारा ऐसी फिल्म बन नहीं पाई। प्रयास हुआ लेकिन वैसा बन नहीं पाई। नहीं, संघर्ष फिल्म की मैंने, संघर्ष फिल्म में उठाया सभी कास्टिंग को सेम रिपीट किया, लेकिन वैसा फिल्म वैसा ग्राफ बढ़ा नहीं पाई, मतलब संघर्ष है, बागी है, ऐसे कई फिल्मों में, और मेरे बाद भी मेरे बिना भी काजल जी ने और खेसारी जी ने फिल्म करी है, लेकिन वो मेहंदी में जो जादू था ना, वो जादू दोबारा दिखा ही नहीं। पहला ब्रेक कैसे क्या मिला? पहला ब्रेक देखिए मैं क्या बोलूँ, वो स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं, मेरा स्कूलिंग टाइम ही था, मैं डिप्लोमा कर रही थी भारतेंदु नाट्य अकेडमी में, तो मुझे लीड की बात करें तो मुझे वहीं से लीड मिला है सपेरा, क्योंकि मुझे वो होता ना कि नए चेहरे की तलाश करते हैं, तो मुझे मेरे थिएटर टीचर ने ही बोला था कि आप लीड है, पवन जी हैं, आप करोगे क्या? मैंने कहा ऑब्वियस, कौन नहीं जानता पवन जी को, एंड सपेरा तो बहुत फैंटेसी ऐसा कुछ फिल्म था, नाग नागिन की कहानी फिर रियल लाइफ, तो मैंने फट से हाँ बोला, और क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट होते हैं तो लोग ज़्यादा
विश्वास करते कि नहीं आर्टिस्ट ऑब्वियस पढ़ रहा है तो अच्छा ही होगा, उस हिसाब से मैं सीधे सीतामढ़ी में जाके शूट की। और उससे बीएनए जाने से पहले मैंने कहा जाए तो सबसे पहली फिल्म दिलदार सांवरिया थी, जिसमें मैंने कह सकते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह मैंने काम किया, जो बहन का कैरेक्टर था जिसमें यश जी हैं, अंजना जी हैं। तो ऐसे मेरी फिल्म की शुरुआत हुई एंड सीरियल्स और काफ़ी चीज़ें बीच में चलती रहती हैं। तो आपके फिल्म में जो गाने में आप अभिनय करती हैं वो गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है, करती ऑब्जर्व करती हैं इन चीज़ों को? नहीं, क्या करती हूँ, मतलब अपने स्टाइल में मैं तो अपना 110% देती हूँ और सभी कलाकार देते हैं, नथिंग स्पेशल। लेकिन ये कि बॉडी लैंग्वेज होता है कि एक अपना स्टाइल होता है। इस संघर्ष फिल्म में भी दो गाना हिट मेरा हुआ था, दो ही गाने ही थे पूरी फिल्म में, धोल बड़ो दूध से और एक और फिल्म मेकअप करे चटर चटर करके खेसारी जी के साथ ही है। तो मतलब बहुत हिट रहा। तो एक प्रेजेंटेशन होता है, एक लक होता है, और एक होता है कि चलो लोग मुझे एज अ बबली पसंद करने लगे थे तो गाने मुझे वैसे लोग बनाने भी लगे थे मुझे लेके। तो एक गाना और भी फिल्म का खूब ज़्यादा हिट है, चिप्स खिया के लिप्स पचुमा लिहल करन, वो फिल्म दिलबर फिल्म का बोलती हूँ। उस फिल्म में सिर्फ मैंने एक ही गाना गेस्ट अपेयरेंस किया हुआ है। तो भाई गाना कितना अपना हिट है, ऑडियो देखिए तो बहुत सभी लोग इन्जॉय करते हैं, पार्टी टाइप का सॉन्ग है। तो उसमें गाने में मैं मतलब आई लव डांसिंग, तो मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा तब और लगता है कि जब मेकर्स इतने अपने दिल जान लगा के मेकिंग को बहुत खूबसूरती से पिरोते हैं, शूटिंग करते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं आर्टिस्ट को, और क्या चाहिए। वो जो फेयर लवली वाला गाना है, चाहेंगे गाती बहुत प्यारी हैं आप, मैंने इंटरव्यू में देखा है, तो वो गाना थोड़ा सा गा दीजिए। अच्छा ठीक है। खतरा की निशानी पार कैली बजुल में जवानी, केहू पागल भइल बा केहू देता टिछागल निशानी, कितनो चक्कर चलाएगा केहू, कितनो चक्कर चलाएगा केहू, हाथे ना आएगी बबली बली, लगा के फेयर लवली जान ले बेकारे पगली। बहुत प्यारा गाया आपने। अच्छा एक चीज़ देखा जाता है, जिन फिल्मों में आपका एक वाला गाना रहता है वो तो निश्चित ही हिट होता है। एक फिल्म में आपका गाना था, हम तब बबली बोला था नहीं, ऐसे कर जी बिल, ये बबली बोला था नहीं, ये सीमा जी जहाँ हम शूट कर रहे हैं, सीमा सिंह जी ही प्रोड्यूसर हैं और हम दोनों ही बबली रहे इंडस्ट्री के लकीली। और बबली मुझे भी नाम मिला, लोगों ने जाना उनको भी एज अ बबली, तब मैं अभी आई नहीं थी इंडस्ट्री में, तो उनका भी बबली नाम से एक पहचान मिल जाती, जैसे लुलिया है, निधि झा जी को लुलिया नाम से लोग जाने, और ऐसे काफ़ी ऐसे लकी नेम मिल जाता है, लोग पहचान बना लेते कि नहीं अब रियल नाम से कोई नहीं जानता, सब लोग कहते बबली। मेरे सारे पोस्ट में कमेंट देखेंगे तो रितु बहुत कम जानते हैं। तो दैट्स लक। अभिनय के साथ गायकी का भी कभी ट्राई करेंगी क्या? हाँ करूँगी। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट आई कैन ट्राई। भोजपुरी के अलावा कोई अन्य भाषा जिसमें आपका अभिनय करने की चाहत हो? चाहत क्या है, देखिए हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, हमारा कोई भी लिमिटेशंस किसी आर्टिस्ट का होता नहीं है। हाँ हमने अभी मैंने हिंदी फिल्म करी है, सफाई बास की है, अलादीन किया है सब टीवी के लिए, तो हिंदी ही है हमारी, जो मेरी पकड़ है हिंदी इंग्लिश और भोजपुरी पे है, तो जहाँ मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे।